वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना सबसे पहले हम बातें करते हैं सेंसर की एंड अगेन सोनी अपने फोर्थ जनरेशन में आ चुका है डिजाइन so, पर, पर कमेंट करना लाजमी नहीं रहेगा सो लेट्स इंटर इंटू द स्पेक्स ऑफ बोध कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेंसर के बारे में सेंसर की इनिशियल जो डिफरेंसेस हमें दिखती है उसमें से आपको मिलता है ए में एक थर्टी थ्री का सेंसर और अगर हम अपने R6 मार्क कैमरे में देखें वी आर गेटिंग अ ट्वेंटी फोर सेंसर अब ये जो 24 फोर का सेंसर अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो ये एक एफ सेंसर है एफ सेंसर मीन्स फ्रंट साइड एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है विच इज सेट टू बी कन्वेंशनल सीम सेंसर टेक्नोलॉजी एंड इफ यू आर गोइंग टू कम्पेयर इट बिटवीन द एफ एस आई टू बी एस आई बी जो सेंसर है अपने सोनी का थर्टी थ्री एम पी का है अनडाउटेबली बी एस आई सीमॉस सेंसर की लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है बट अकीन यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड यह कह देना कि बी एस आई सेंसर की लो लाइट परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहेगी अपने ट्वेंटी फोर एम पी की एफ एस आई सेंसर से यह भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास है एक काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन डिफरेंस रेजोल्यूशन डिफरेंस को अगर आप कंसिडर करते हो यहाँ पे देन वी हैव ए ट्वेंटी फोर वर्सेज थर्टी थ्री एम पी और यहाँ पर आप देखोगे कि जो पर पिक्सल पर इंच का रेशियो है यानी कि हर एक फोटो डाइट्स की जो साइज़ है अपने आर सिक्स मार्क टू कैमरे की वो लार्जर है कंपेयर टू द ए सेवन फोर कैमरा सो so यहाँ पर अफकोर्स डिस्पाइट ऑफ बींग बी एस आई सीमा सेंसर हम यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं लगा सकते अपने लोराइट परफॉर्मेंस में क्योंकि सेंसर रेजोल्यूशन में एक काफ़ी अच्छा डिफरेंस है और वही डिफरेंस हमें हर एक पिक्सल की साइज में दिख रहा है दैट क्लियरली इंडिकेट्स द लाइट ग्राइबिंग एबिलिटी ऑफ द कैनन ट्वेंटी फोर एम पी सेंसर इज़ मोर अपना बी एस आई सीमा सेंसर अच्छा करते हुए दिखे एक दो स्टॉप इन सिचुएशन आई एम सेंगे ऐसा नहीं की हर एक बारी अपना का अच्छा परफॉर्म करेगा लो लाइट में क्योंकि यहाँ पर सिर्फ

का सेंसर उतना इनफीरियर नहीं है बेटर की कैटेगरी में तो खासकर नहीं आता है हाँ क्योंकि एक FSI सेंसर है तो कई लोगों को लग रहा कि लो की कैसे रहेगी तो लगभग अपने ए सेवन फोर कैमरे जैसे रहेगी बट हाँ रेजोल्यूशन डिफरेंसेस की बात करें तो ए सेवन फोर कैमरा अपना ज्यादा डिटेल ग्रैब करेगा ना लेट्स टॉक दोक्सिंग सिस्टम ऑफ बोथ द कैमरा कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर ए एफ़ सिस्टम के साथ आया हुआ देखो लिटरली सोनी और कैनन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बदनाम है अपनी ए एफ़ सिस्टम को लेकर यानी कि दोनों की ए एफ़ सिस्टम बहुत ही तगड़ी है बहुत ही उमदा है अगर हम नंबर ऑफ़ ए एफ़ पॉइंट्स की बातें करें दें अनडाउटेबली अपने कैनन के आर सिक्स मार्क टू कैमरे की जो ए एफ़ सिस्टम है वो वन जीरो फाइव थ्री एफ जोन्स में डिवाइडेड है स्पेसिफिक अगर हम काफ़ी ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ़

सिर्फ नंबर्स नहीं आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कैन आर सिक्स कैमरे के अंदर अपने R3 कैमरे की AF को कैनन ने डाला है और सिर्फ हम ऑटो फोक्सिंग सिस्टम की बात नहीं करें अगर हम सेंसर को भी इंक्लूड करें डिस्पाइट बीइंग तो सेंसर अपने डिजिक एक्स इमेज प्रोसेसर की हेल्प से कैन इस एफएसआई सेंसर से 40 एफपीएस की ब्रेस्ट रेट को निकाल पा रहे हैं एंड अनडाउटेबली मैंने भी कई टेस्ट देखे यहाँ पे बहुत ही मिनिमल रोलिंग शटर इफेक्ट दिखता है यानी कि रोलिंग शटर जो है काफी मिनिमाइज है वेल well कंट्रोल्ड है मैं ये नहीं कहूँगा दिखता ही नहीं ये कहना झूठ रहेगा बट जिस तरह से आर्थरी की रोलिंग शटर मिनिमाइज हमें दिखती काफी वेल well कंट्रोल रहती है और वी शुड नॉट फॉरगेट की आर्थरी के अंदर एक बी एस आई स्टैंड सीमा सेंसर लगा हुआ है उसी तर्ज पे उसी लेवल की यहाँ पर हमें कंट्रोलिंग रोलिंग शटर इफेक्ट दिख रही है एंड आई एम जस्ट नॉट सींगट देर आर लॉट ऑफ टेस्ट आउट

6 की भी अपनी ट्वेंटी स्पीड बहुत उमदा थी बट नाउ वी आर पुसिंग द लिमिट्स विद फोर्टी एफपीएस स्पीड सो दिस इज अ रियली वेलकम स्टेप अभी सोनी की जो लेटेस्ट ए एफ टेक अगर आपको देखनी है और अगर कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओ या आर सिक्स मार्क टू कैमरे के अंदर जिस लेवल की ए एफ है अगर उसका आपको एक्चुअल कम्पैटिटर अभी देखता है नियरेस्ट कम्पैटिटर इन सोनी इज द रिसेंटली सोनी ए सेवन आर फाइव कैमरा अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो स्पोर्ट्स शूटर हो अनडाउटली आर सिक्स मार्क टू कैमरा इज मोर रिकमेंडेड टू यू Now before we move forward, we should also talk about the image stabilization part of the camera. अब हमें लगभग eight stops of IBIS का support मिलता है. Either you are capturing still images or you are recording a video from this particular camera. आपको हमेशा IS की बेहतरीन support मिलते रहे. अगर हम वही support अपने A7 IV में खोजने जाएं, then we will be limited to 5.5 stops of IS. So yeah, अनडाउटबली अगर हम मैकेनिकल इमेजलाइजेशन सपोर्ट की बातें करें देन वी हैव सम लिमिटेड सपोर्ट इन सोनी बट या अगर हम वीडियो में बातें करें तो वीडियो में जैरोस्कोपिक इमेजलाइजेशन की सपोर्ट हमें ए सेवन फोर कैमरे में मिलती है जो कि मिसिंग है अपने आठ सिक्स मार्क टू कैमरे में सो या इन वन हैंड यू हैव लिमिटेड मैकेनिकल इमेजलाइजेशन सिस्टम इन अदर हैंड आपको जैरोस्कोपिक इमेजलाइजेशन का सपोर्ट मिल रहा है वीडियो में सो so या yeah,

करनी अपने फाइल्स की और अपने रॉ प्योर रॉ फाइल चाहिए अपने कैमरे से ठीक है देन यू कैन हैव इट फ्रॉम द आर सिक्स मार्क टू कैमरा विच इज कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल विद ए सेवन फोर एट एनी एंगल ए सेवन फोर रॉ वीडियो आउटपुट नहीं देती बट द आर सिक्स मार्क टू कैमरा डज गिव इट थिंग वी हैव इज द फोर के सिक्सटी एफ पी एस इन ओवर सैम्पल्ड मोड अपना आर सिक्स मार्क टू कैमरा

for camera. नो लेट्स टॉक अबाउट द फुल एच डी मोड तो फुल एच डी मोड में भी आपको लगभग वन एट्टी फ्रेम्स पर सेकेंड का सपोर्ट मिलता है वेद एवन फोर कैमरा रिमर्स लिमिटेड टू वन ट्वेंटी आई पी एस तो वीडियो के मामले में अनडाउटेबली आर सिक्स मार्क टू कैमरा काफ़ी ज़्यादा साइन करता है और आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो या सिनेमाटोग्राफर हो आर सिक्स मार्क टू कैमरा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखेगा और अकॉर्डिंग टू कैन उन्होंने इस बरी हीट सिंक यूनिट को इम्प्रूव करा है और डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू की टीम ने इसे टेस्ट भी करा है दे है फाउंड दैट इट इज मच इम्प्रूव कंपेयर टू इट्स प्रीडियर द आर सिक्स कैमरा सो यह इस पर ही ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम एटलीस्ट आपको फोर के ट्वेंटी फोर एफ पी की मोड और थर्टी एफ पी की मोड में उतनी नहीं विजिबल होने वाली है एंड आई डू होप एंड एक्सपेक्ट इस बारी हमारे सब्सक्राइबर्स को वो परेशानी वो टेंशन ना हो जिस तरह की परेशानी उन्हें आर सिक्स के ओरिजिनल अनाउंसमेंट के साथ हुई थी एंड अनडाउबली ए सेवन फोर के साथ भी कई लोग तंग हुए थे ओवर हीटिंग इशूज को लेकर मैंने कई वीडियो कई एपिसोड करे थे उसके बाद सोनी ने कई सारे हिडन फिल्म अपडेट्स अनाउंस करे एंड आफ्टर द यूज ऑफ सी एक्सप्रेस कार्ड्सॉट ए सेवन फोर की हीटिंग इश्यूज सॉर्ट

आउटपुट खोल कर छोड़ दी कि भैया अगर आप प्रोफेशनल हो देन यू कैन हैव आवर रॉ आउटपुट अदर देन अगर आप बहुत ज्यादा ग्रेडिंग नहीं करने वाले तो हमें खासकर अगर हम सिर्फ इंटरनल रिकॉर्डिंग की बातें करें इंटरनल रिकॉर्डिंग में लिमिटेड रहे अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फीचर बाकी सारी चीजें अपने फोर कैमरे से ज्यादा उमदा है बिफोर

हैव विद माइक्रो एच डी माई पोर्ट्स उससे बेटर है कि कंप्लीट सेटअप में ऑलवेज लगा कर रखो री नो नीड टू प्लग एंड अनप्लग ऑल द टाइम सो

uhs 2 hd कार्ड स्लॉट सपोर्ट को थोड़े बहुत पैसे आपने कैनन बचा देगा बट कैनन की अगर हम लेंस माउंट की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉक्ड है इज़ नॉट ओपन फॉर थर्ड पार्टी लेंस मेकर और वहीं सोनी की लेंस माउंट ओपन है खुले दिल से ये चीजें हमें माननी पड़ेगी कि बीइंग अ ओपन लेंस माउंट ये हमें ज्यादा सपोर्ट करेगी यानी कि आपके पास रेंज ऑफ लेंसस है फ्रॉम टैमरॉन सिग्मा सैमयांग बहुत रेंज अवेलेबल है साथ ही साथ इन सब की एफ़ सैकुरनाइजेशन बहुत अच्छी है अपने कैमरे के साथ सो यू हैव अ रेंज ऑफ लेंसेज इन सोनी और वेरेबल बजट पर अवेलेबल है आप अपने बजट के हिसाब से अपने खरीद सकते हो द ऑप्शन इज कम्प्लीटली एबसेंट राइट नाउ इन कैन कैन हैबाउट दर डिसीजन की भैया अपनी लेंस बॉन्ड को तो ओपन कर दो एटलीस्ट एज ए कंज्यूमर हमें ये एडवांटेज मिले कि हम ओपनली चाहे जिस लेंस को भी पिक कर सके अपने कैमरे के लिए यह एडवांटेज एटलीस्ट आप अपने कंज्यूमर को जरूर दो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द कैमरा ठीक है अगर हम आर सिक्स मार्क टू कैमरे के बारे में बात करें वी हैव अ 24 फोर एम पी सेंसर और यहां पर आप इस सेंसर के साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी कर सकते हो स्पोर्ट्स भी कर सकते हो एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है तो इससे आप वेडिंग और इवेंट्स भी अटेंड कर सकते हो ऐसा नहीं कि बहुत ही लेस रेजोल्यूशन एक स्टैंडर्ड ट्वेंटी फोर एम पी की रेजोल्यूशन आपको मिल रही है बट अगेंस्ट ए सेवन फोर इट इज लिमिटेड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टिल पार्ट वी हैव सिक्स के वीडियो आउटपुट फ्रॉम दिस कैमरा द माइक्रो एच डी माइपोट एंड फोर के सिक्सटी एफ पी एस अनक्रॉप्ड ओवर सैम्पल्ड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट फुल एच डी वन एट्टी एफ पी एस ये सारे फीचर्स अपने आर सिक्स मार्क टू कैमरे के साथ मिल रहे हैं दो

ठीक है यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि इन लिमिटेशंस आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखो क्या आपको एक 10 एफ से काम चल सकता है क्या आपको रॉ वीडियो आउटपुट चाहिए क्या आपको 4K के सिक्सटी एफ पे शूट करना है ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज सी एफ एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट्स क्योंकि अगर आप स्लोअर कार्ड्स लगाओगे तो कैमरा ओवर हो जाएगा फोर के और थर्टी एफ पर भी सो so, आपने कार्ड्स में थोड़ा सा पैसे लगाने पड़ेंगे बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लेंस माउंट ओपन है वो एक एडेड एडवांटेज है ए कैमरे में बट हाँ अगर आपको एक बहुत ही ज्यादा वेल well

Finally, if you are new here, new to this channel, do consider subscribing. Be a part of the newcamera.com family. Thank you very much for watching this video.